कल ही एमेजोन से 18,000 थाउजेंड एम्प्लॉयज की फायरिंग की खबर आई अब इस पर डिस्कशन हो रहा है कि एक और बड़ी कंपनी ले ऑफ कर रही है जी हाँ एक्सपर्ट्स भी इस पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं ले ऑफ करने वाली टेक कंपनीज के लिए इसमें अब गूगल का नाम भी जुड़ चुका है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने फ्राइडे यानी कि आज 12,000 थाउजेंड एम्प्लॉयज को फायर करने की प्लानिंग कर डाली अगर कंपनी इतने एम्प्लॉयज को बाहर करती है तो इसे गूगल का वर्कफोर्स दुनिया भर में सिक्स कम हो जाएगा सुंदर पिचाई ने इम्प्लॉज को भेजे ईमेल में लिखा कि वो लेफ के फैसले की पूरी जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं सुंदर पिचाई ने कहा कि कंपनी से निकाले गए वर्कर्स की हर पॉसिबल मदद की जाएगी हेल्प की जाएगी उनके लिए जॉब सर्च करने के अलावा कंपनी अमेरिका में अपने इंप्लाइज को पूरे नोटिफिकेशन पीरियड यानी सिक्सटी डेज का पेमेंट करेगी इसके अलावा गूगल 16 वीक्स की सैलरी के साथ ही गूगल में बिताए हर टू ईयर्स पर टू वीक्स की सैलरी और कम से कम वीक्स का जी यानी गूगल स्टॉक यूनिट सहित एक अच्छा पैकेज भी उनको देगी कंपनी से बाहर किए जाने वाले इम्प्लॉज को 2022 का बोनस और वेकेशन के साथ ही सिक्स मंथ के लिए हेल्थ केयर जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज और इमिग्रेशन सपोर्ट भी दिया जाएगा अमेरिका के बाहर गूगल वहां के लोकल लॉ के मुताबिक इम्प्लॉयज को पूरा सपोर्ट करेगी इसके साथ ही साथ कंपनी एलिजिबल एम्प्लॉयज को 80 परसेंट एडवांस बोनस भी देगी अब इस पर एक्सपर्ट्स भी रिएक्शंस दे रहे हैं well, this is... not a surprise uh given uh all the other layoffs we've had meta microsoft salesforce and on and on um so it's and also you know the ceo Sundar pachai had been uh, making remarks that uh, cost cuts were coming so it's not not much of a surprise, and uh, it's in line with the rest of the uh, you know, big tech industry. As they said in their uh, blog post, uh, they overhired during the uh, pandemic. and that's the same reason many other tech companies have given for layoffs. Um, so uh, that's one reason. Um, and you know we're also heading into, we're in, a, in a very uncertain macro tech, macro environment.